देख सकते हो ये जो है इसका सेंटर है, आप देखिए कितना अच्छा है। अच्छा टच करके बताएंगे इसमें भी कैसा है। ईद मुबारक, गुड इवनिंग, गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी अगेन। और आज जो है ईद का तीसरा दिन है, लेकिन जो है हर घर में जो है डिशेस बन रही है, इसलिए जो है मैं आज आपके लिए यूनिक सी जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है ब्रेड क्लाइस पकौड़ा, जिसको जो है हम चिकन से, मसूर की दाल से या माश की दाल से, पटाटो के साथ, बेसन अंडे और कैचअप, बहुत सी जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ जो है वो रेडी करेंगे। इसके लिए जिन्हें हम चीज़ों की ज़रूरत है, इसका क्लोजअप में आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है हमें एक सॉफ्ट सी जो है वो फ्रेश सी जो है वो चाहिए, ब्रेड चाहिए। ब्रेड जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो साइज़ है वो इनहेंस नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, वरना जो है इसकी शेप जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। सेकेंडली हमें चाहिए पोटैटो पेस्ट चाहिए, अच्छे से जो है उसका पेस्ट बनाओ। थर्ड जो हमें चाहिए माश की दाल का मिक्सचर चाहिए विद द ग्राइंडर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। और जो दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये पड़े हैं जो हमें चाहिए, सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं। हमें चाहिए टमाटो चाहिए, हमें चाहिए ऑनियन, इसकी चॉपिंग जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हमें ग्रीन चिली चाहिए, पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन चिली का जो टेस्ट टेक्स्चर होता है वो मुँह में आता है, वो अच्छा लगता है। हमें चिकन का जो है वो मिक्सचर चाहिए, ब्लेंडर के अंदर हुआ हुआ मिक्सचर चाहिए, वो चाहिए। हमें एग चाहिए 2 से 3 अदर, हमें चाहिए बेसन चाहिए, हमें चाहिए कैचअप। किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे आप ये देखिए। सबसे पहले जो है हमें चाहिए तो पोटैटो पेस्ट, हमने किया है पोटैटो पेस्ट को ऑलरेडी जो है एक बाउल में डाल के रख लिया था। नेक्स्ट जो चाहिए वो माश की दाल चाहिए थी, माश की दाल। अगर आप माश की दाल नहीं लेंगे तो वो जायका जो मैं बता रही हूँ आपको वो नहीं। थर्ड जो है वो हमें चाहिए, आप ये देखिए मायनीज को आप साइड पे कीजिए। थर्ड जो है वो हमें चाहिए, ये देखिए ऑनियन चाहिए बड़े साइज की, 3 अदद ऑनियन जो है वो आप ऐड करें बाउल के अंदर। हमें टमाटो चाहिए, टमाटो भी जो है वो अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिए, लेकिन मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो है वो हमारी इंटरनली बैलेंस करता है, हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको। ये जो है ये देखिए चिकन का जो है वो ब्लेंड हुआ कीमा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वरना जो है ये चिकन ब्रेड रोल टाइप बन जाएंगे। हर चीज़ की एक क्वांटिटी होनी चाहिए, अगर आप उस हिसाब से डालेंगे। मैंने ऑलरेडी उतनी जो है उसकी क्वांटिटी लेके रखी थी, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए हमने सब चीज़ें डाल ली हैं, ग्रीन चिली, टमाटो, ऑनियन सब कुछ डाल लिया है, कीमा भी डाल लिया। अब ये क्या करना है, आपने सब चीज़ों को मिक्स करना है। ये देखिए मैं मिक्सर में डाल के मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए ये जो था हमने ब्लेंडर के अंदर डालकर उसका अच्छे से जो है मिक्स कर लिया था, ताकि सब चीज़ें जो आपस में मर्ज हो जाएं। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, ब्रेड लेनी है। ब्रेड हमने ली, ठीक है, हमने जो है ये मिक्सर जो है ज़्यादा लेना है, कम कम मिक्सर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इसका सारा टेस्ट जो है वो मिक्सचर का ही है। ब्रेड तो है, वरना आप नॉर्मल जो है वो सैंडविच लाइक टेस्ट पाएंगे इसका। इसका ब्रेड का जो अपना टेस्ट होता है वो खुद जो होता है वो थोड़ा स्वीट होता है, इसलिए जो है हम इसके अंदर सिट्रिक्स शामिल किए, यानी कि ज़्यादा टमाटर शामिल किए हैं, कैचअप शामिल किए हैं, ताकि इसकी जो है गार्निशिंग और बैलेंस सब बैलेंस हो जाए। ये देखिए आप, अब इसकी कटिंग जो है आप अपने साइज के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप सैंडविच लाइक शेप देना चाहें तो सैंडविच की तरह दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे जो है वो पैटिस लाइक दें तो आप उस तरीके से दे सकते हैं। ये देखिए ये जो है 1 to 2 रेडी हो गए। अब ये जो था नेक्स्ट, ये हमारा बनेगा इस तरीके से। आप उखली शेप के हिसाब से जो है उसको रेडी करें, ठीक है। ये देखिए ये भी रेडी हो गया। आप जिस तरीके से चाहते हैं कि वो शेप में आए, आप उस तरीके से बनाते जाएं।
बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, मैंने खुद कई बार जो है ट्राई कर लिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। अब ये देखिए हमने क्या करना है, हमने लेने हैं एग इसकी वेलकिंग के लिए, यानी कि इसको जो फ्राई किस तरीके से करना है आप देखिए। ठीक है, आपने जो है वो एग जो है वो 2 से 3 अदद लेने हैं। दोनों एग हमने इसके अंदर डाल लिए थे बाउल के अंदर, इसको फ्राई करने के लिए अब इसके अंदर जो है एक बड़ा चम्मच जो है आपने मायनीज का ऐड करना है। ठीक है, मायनीज अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी बॉन्डिंग भी जो है वो अच्छी होती है, इसलिए जो मैंने किया है। ठीक है, आप स्टीरर की मदद से करें इसी एंड क्विकली जो है आप कर सकते हैं तेज़ी के साथ। अब जो है इसके अंदर जो है आपने ग्राम फ्लोर डालना है, इनके बेसन डालना है, आपने इसके अंदर बेसन की जो है अच्छी खासी जो है वो क्वांटिटी लेनी है, 5-7 चम्मच से ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसके अंदर बाद में जो है वो वाटर ऐड होगा इसकी थिकनेस को कम करने के लिए। आई थिंक ये सारा लें आप खुद भी बता सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है आपको रिक्वायर्ड है बेसन की। चलिए अच्छे तरीके से जो एक ही साइड से, ये देखिए हमने जो था वो स्टोव पे जो है कढ़ाई रखी, उसके अंदर ऑयल गरम किया, जब अच्छे तरीके से वो गरम हो गया उसकी हमने उसकी बबल से जो है वो जज कर लिया कितना गरम है, हमने लाइट जो है वो आंच कर दी है स्टोव की एंचुले के नीचे से लाइट आंच कर दी। अब ये जो थे हमने ब्रेड स्लाइसेस काटे थे, अब इसके अंदर डिपिंग करके वो फिलिंग वाले ब्रेड स्लाइसेस को इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो है आपने इसको फिल अप करना है, ये देखिए। ठीक है, और इसी तरीके से जो है विदाउट एनी टचिंग ऑफ फैक्स आप ऐसे ही जो इसके अंदर डाल देना है। आप इसका कलर देखिए अमेजिंग है, आप इसकी ये वाली गार्निशिंग साइज देखिए, इसको भी आपने फिल अप करना है, डिपिंग करनी है इसके अंदर। अच्छे तरीके से करते हुए सब टोस्ट को जो है वो आपने फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये अब ये इसकी साइड देखते हैं चेंज करके, अब इसकी साइड, इसकी खुशबू जो है वो बेकरी से आते हैं ना तो स्वीट सी खुशबू होती है, वैसी जो इसकी खुशबू आ रही है बहुत ही जो अच्छा है। आप इसको जो है वो थॉन्स यानी कि चमचा जो होता है उसकी मदद से उठाइए, मैं ये जो है वो खाने वाले चम्मच के साथ जो इसे खिला रही हूँ, क्योंकि उससे जो है मेरी प्रैक्टिस नहीं है, उससे वो टूट भी सकते हैं, लेकिन इजी होता है उससे इसकी साइड चेंज करना। ये देखिए आप इसकी कलर कितनी नाइस है, इसका जो शेप तो आप छोड़िए, इसकी जो स्मेल है आई फीलिंग इज सो गुड कि मेरा दिल कर रहा है थोड़ी सी इसे जो है वो खा लूँ। चलें ये जो है इसका क्लोजअप में देखिए, ये जो है वो बन चुकी है, इसकी साइड चेंज करके देखिए, ये जो है बहुत अच्छे तरीके से जो बन चुके हैं। ये देखिए अब हम इसे निकालेंगे और ऐसे ही जो है वो सर्विंग के लिए रख देंगे। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ऑयल जो है स्वीट हो जाए अच्छे तरीके से, ताकि मज़ीद जो है वो इसका कलर लाएगा, थोड़ी आँच कम कर। ठीक है, ये देखिए तो जी, तो ये है हमारे जो ब्रेड स्लाइसेस चिकन पकौड़ाज थे, ये उसकी जो फाइनल लुक है आप देख सकते हैं, और ये जो है इसका सेंटर है आप देखिए कितना अच्छा है। आयशा आप टच करके बताएं टेस्ट करके कैसा है।